हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये है वीडियो का पार्ट 3। बायोलॉजी महासंग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज चल रहा है और इसमें वी आर गोइंग टू सॉल्व 1500 क्वेश्चंस। ओके, 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक पार्ट 1 और टू, दो पार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा इसका, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और एनी पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है। आप लोग जानते हैं बायोलॉजी सेक्शन जनरल साइंस क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कशन होगा, बाइलिंगुअल होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप लोग कॉमेंट में कीजिए, वी विल हेल्प यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135 है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाई, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाई फर्स्ट इंजाइम, नाउ सेकेंड ऑप्शन हार्मोन, मिनरल और विटामिन। तो जो पाचन क्रिया जो होती है बॉडी में, वो किसके द्वारा संभव होता है? वो इंजाइम, डाइजेशन ऑफ फूड बाई इंजाइम। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now, which is the organ that excretes water, fat and various catabolic waste? Body से कौन सा organ जो है जो कि water, fat और various catabolic waste जो है वो excrete out करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, तो वो किडनी, स्किन, स्प्लीन और सलिवरी ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? किडनी, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, EEG इज, क्वेश्चन नंबर 137, EEG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, ये किसका फंक्शनिंग में, EEG का किसका फंक्शनिंग में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्ट में, लंग्स का फंक्शनिंग के लिए, किडनी का फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन का फंक्शनिंग, सो इट्स इसके लिए हार्ट का, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, राइट। तो हार्ट का फंक्शनिंग के लिए ये डिटेक्ट होता है EEG। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 138। तो ये क्वेश्चन बोलता है, लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज अनदर नेम, अदर नेम ऑफ कौन सा डिजीज का है? फर्स्ट टेटनस, मस्कुलर डिसऑर्डर, टाइफाइड और फिलोरियोसिस। ये किसका है? ये टेटनस का अनदर नेम है, ठीक है, लॉक्ड जॉ, ठीक है, याद रखिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ मेमेलियन एम्ब्रॉय आर एलिमिनेटेड आउट बाय, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मेमेलियन एम्ब्रॉय, ठीक है, आर इलिमिनेटेड बाय, जो मेमेलियन एम्ब्रॉय का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा इलिमिनेट होता है? प्लेसेंटा, एमिनोटिक फ्लूइड, एलेंटोसिस और यूटेट यूरेटर। तो इसका आंसर क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मेल शार्क क्लैस्पर्स आर फाउंड अटैच्ड टू, कहाँ होता है? वो पेल्विक फिन में होता है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई गेट्स इनफ्लेम्ड एंड बिकम पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इनटू, जब आंख में डस्ट और कोई धूल जाती है तो कौन सा पार्ट जो होता है उसका इनफ्लेम होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है बाई इन्फ्लेमेशन एंड बिकम पिंक हो जाता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इसका ऑप्शन है कॉर्निया, कोरवाइड और कंजक्टिवाइटी और स्क्लेरोटिक। तो इसका कौन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 141 का? ये कंजक्टिवी, कंजक्टिवी, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आंख को आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन, फ्लो ऑफ द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ये देखिए ये कौन सा है, ये फ्लावर बड होता है, ठीक है, 142, ऑप्शन 3 इसका सही होगा, ठीक है। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड ए बैलेंस्ड डाइट नाउअडेज, ठीक है, मिल्क जो होता है बैलेंस्ड डाइट कंसिडर नहीं किया जाता है नाउअडेज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में? ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 बोलता है मैग्नीशियम विटामिन डी, आयरन विटामिन सी, ऑप्शन 3 कैल्शियम विटामिन सी, आयरन एंड विटामिन ए। 143 इसका आंसर क्या होगा? आयरन एंड विटामिन सी। 143 का क्या ऑप्शन? ये मिल्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, आयरन और विटामिन सी मिल्क में नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं मिल्क को एज ए कंप्लीट डाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाउ सी सिकनेस
is due to the effect of motion of ship on internal ear, heart, stomach और आई. किस पे होता है सी सिकनेस? ठीक है, 144 इसका ऑप्शन है. इंटरनल ईयर में हर्ट, स्टोमेक और आई. ये स्टोमेक में होता है. ठीक है, सी सिकनेस आपको होती है, पेट में दर्द, उल्टियां, ये सब होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 144, द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन अ बॉडी इज. ऑप्शन वन कैरी ऑक्सीजन, ऑप्शन टू हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, प्रोड्यूस मोर रेड सेल्स और प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज. तो 144 इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. इट प्रोटेक्ट व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? इट्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 146, इलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस कौन सा? किसके डायग्नोसिस में काम आता है ये? एड्स एंटीबॉडीज के डायग्नोसिस में क्या होता है इलिसा टेस्ट? किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है, उसके डायग्नोसिस में. चलिए अगला क्वेश्चन 147, the largest cell in the human body is. Human body में largest cell कौन सा है? ठीक है, 147, nerve cell, liver cell, muscle cells, kidney cell. तो ये correct answer क्या होगा? Nerve cell, first. It is the largest cell of human body. ठीक है, now question number 148, which of the following is known as bodybuilder? इसमें bodybuilder कौन होते? Protein, carbohydrate, vitamins, fats. किसको बोला जाता है? It's protein. ठीक है, protein is known as bodybuilder. जैसे जो जिम करते हैं वो लोग प्रोटीन लेते हैं ना, दैट्स व्हाई. नाउ 149 देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? इसमें से कौन सा टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है? ठीक है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी और एक्सरे. इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बायोप्सी. बायोप्सी इज यूज्ड टू डायग्नोस द कैंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वॉट इज द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाई द बॉडी? डिहाइड्रेशन में कौन सा बॉडी से कौन सा सब्सटेंस जो रिलीज होता है वो क्या होता है? जो डिहाइड्रेशन होता है कौन सा सब्सटेंस जिसमें से फर्स्ट है सुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटासियम क्लोराइड. 150 इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड. ठीक है, नमक, लॉस ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और इसके बहुत हमें डिस्कस करने होंगे. तो आपको जहां भी डाउट होगा उसको, उस वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, करेक्ट आंसर उसका देखिए और आगे बढ़िए. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 151, द एनिमल विच यूज साउंड एज इट्स आई. ठीक है, कौन सा एनिमल साउंड को यूज करता है अपने शिकार को ढूंढने में, मतलब आंख की तरह देखने में? ठीक है, वो आपको पता है. ठीक है, बैट, चमगादड़. Correct answer is option D. Now, अगला question. Pregnant women usually become deficient in. जब woman की pregnancy होती है तो उस समय normal कौन सा जो होता है substance body में उनके कम पाए जाते हैं, deficient हो जाते हैं. ठीक है, 152 में. तो वो कौन सा है? Sodium, calcium. अगला iron, sodium, calcium, iron और magnesium, iron. It's option 3, calcium और iron. ठीक है ना, calcium और iron की कमी हो जाती है. That's why doctor usually recommend this as a precautionary medicine. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which now 153 क्वेश्चन नंबर 153 है. ये बोलता है which component of light are absorbed by the chlorophyll? Chlorophyll में कौन सा जो light group का कौन सा part जो होता है ना component absorb होता है during chlorophyll? ठीक है, ये plant में होता है तो chlorophyll process. तो ये कौन सा component of light? तो option है वायलेट एंड रेड, सेकेंड इंडिगो ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, वायलेट एंड वेलो. तो 150 इसका करेक्ट आंसर क्या है? वायलेट एंड रेड. याद रखिए, वी आर याद रखिएगा. ठीक है, तो ऑप्शन वायलेट एंड रेड, वी आर, ये क्लोरोफिल में ऑब्जॉर्ब होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. जिंजर इज अ स्टीम एंड नॉट ए रूट, बिकॉज क्यों? बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है ना, उसी के कारण ये स्टेम और एक तना के रूप में कंसिडर किया जाता है, रूट्स के रूप में नहीं किया जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 155, आई ऑफ ए पोटैटो आर यूजफुल फॉर. फर्स्ट न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए काम आता है. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 156, टेनिया सोडियम, ठीक है, टेप वार्म, टेनिया सोलियम, सॉरी टेनिया सोलियम, टेप वार्म लीव्स एज ए पैरासाइट इन pig,
सेकेंड एब्डोमिन ऑफ मैन एंड वुमेन, थर्ड इंटेस्टाइन ऑफ मैन वुमेन एंड लीवर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो 156 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, अगर पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वुमेन होता है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में मिलता है, ह्यूमन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट सिंपल आई, आई ओवर द हेड, वेल डेवलप्ड आई और कंपाउंड आई। चींटियों में किस तरह का आंख होता है जो कि वो पूरा ऑब्जेक्ट को देखते हैं? तो 157 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स कंपाउंड आई, उनके कौन सा आंख है उनका, कंपाउंड आई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 158, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट। हार्ट बीट का एप्रोक्सीमेट टाइमिंग क्या होता है, कितने समय वो हार्ट बीट के लिए लेता है? 158 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो लेता है 0.8 सेकेंड, ठीक है, वन हार्ट बीट करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू जो है ये करेक्ट आंसर है, रिमेम्बर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड, क्वेश्चन नंबर 159, हु डिस्कवर्ड द क्लोरेला बैसिलस, ठीक है, कौन डिस्कवर्ड किया है क्लोरेला बैसिलस, ऑप्शन देखिए, और ये इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट पॉच, ठीक है, 159 का ऑप्शन नंबर ये 3, रॉबर्ट पॉच जो है ये साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था ये बैसिलस, ठीक है, क्लोरेला बैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following animal has the longest life span? ठीक है, इनमें से elephant, crocodile, dog और tortoise, जिसमें सबसे ज्यादा life span किसका होता है? Tortoise का होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए, बहुत important है। अगला question है, Which animal produce the biggest baby? ठीक है, कौन सा animal produce करता है biggest baby, सबसे बड़ा उसका baby जो होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो question number 161, option है इसमें कैमल, लायन, एलिफेंट और ब्लू व्हेल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑब्वियसली ब्लू व्हेल, साइज से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन, कॉमन सेंस क्वेश्चन, हार्ट अटैक ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरियल अटैक ऑन हार्ट, स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ, और इंपेयरमेंट ऑफ हार्ट्स वर्क ड्यू टू अननोन रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 162 इसका करेक्ट आंसर होगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू इट्स हार्ट इटसेल्फ, ठीक है ना, ब्लड जब हार्ट को अपने ही उसे ब्लड सप्लाई ना होता है तो उसी केस को बोलते हैं हार्ट अटैक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विल हैव ब्राउन आई, ब्लू आई और ब्लैक आई, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द, कहाँ होता है उसके, कौन से पिगमेंट जो होता है वो किस जगह प्रेजेंट होता है आंख में, कौन सा, सो कि उसके आंख का कलर डिसाइड करता है कि ब्राउन आई है, ब्लू आई है या ब्लैक आई है। फर्स्ट इज पुपिल, कॉर्निया, इरिस और क्रोएड। तो 163 इसका करेक्ट आंसर होगा इरिस, इसके कलर पिगमेंट, इसके पिगमेंट के कलर को प्रेजेंस के अनुसार ही आंख का डिसाइड होता है कि ब्राउन आई है, ब्लू आई है और ब्लैक आई है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन 3, इरिस। नाउ अगला क्वेश्चन है, Which of the following element is obtained from the sea algae? इनमें से कौन सा sea algae से मिलता है? Argon, sulfur, vanadium, iodine. तो इसका correct answer क्या? Very important question. इस मिलता है sea algae से, iodine मिलता है, याद रखिएगा हमेशा. Very important. चलिए. अगर ये सबका PDF चाहिए friends आपको तो Telegram channel जो दिया हुआ, Telegram link दिया हुआ है description में, वहां से जाके join कर लीजिए और वहां से इन सबका videos और बहुत important questions government examination से फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ देते हैं, कोई आपको चार्जेज नहीं है, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसमें से क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 165 वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कैल्शियम, ऑब्वियस कैल्शियम नहीं होता है क्लोरोफिल का पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, अभी तक में लार्जेस्ट लिविंग बर्ड किसे कौन सा है अर्थ पे, 166 है क्वेश्चन इसका है, ऑस्ट्रिच, कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन्स इज नॉट फाउंड, इनमें से हार्मोन नहीं मिलता है कौन से जानवर में, रैट, मंकी, बैक्टीरिया, कैट। ठीक है 167 वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कैट, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो ना अगला क्वेश्चन है, द causative organism of dengue fever is, वो कौन सा organism से डेंगू फीवर होता है, क्वेश्चन नंबर 168, तो वो होता है causative organism for dengue fever, वो
वायरस 168 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। बेस्ट कोलेस्ट्रॉल इनमें से किसको होता है VLDL LDL HDL और ट्राइग्लिसराइड्स। तो 169 इसका है HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है HDL जो कोलेस्ट्रॉल, ये बेस्ट कोलेस्ट्रॉल कंसीडर्ड होता है, ठीक है ना। थैलेसेमिया इज द हेरिडिटरी डिजीज इट अफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 170 थैलेसेमिया जो होता है ना बॉडी को कौन सा पार्ट और किसको इफेक्ट करता है, ठीक है, वो करता है थैलेसेमिया ब्लड को। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फूड ग्रेन इन्वॉल्विंग ए प्रोड्यूसर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। इनमें से कौन सा है, तो वो है देखिए प्लांट प्रोड्यूसर रैबिट एंड देन रैबिट को खाने वाला नॉन वेजिटेरियन दैट इज टाइगर। ये ऑप्शन टू इसका सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर, ठीक है, इनमें से कौन सा, कोलेजिन मेलानिन केराटिन और कीटिन, ठीक है 172 इसका करेक्ट आंसर क्या है, केराटिन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, इनमें से एडिबल प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मीट एंड एग, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, सम टाइप ऑफ एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ बोल रहा है एडिबल प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है 173 इसका प्रोटीन है तो वो सोयाबीन और ग्राउंड नट में सबसे हाईएस्ट, ये चारों में से इन कंपेयर टू ऑल दिस फोर ऑप्शन इनमें सोयाबीन और ग्राउंड नट में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, कंटेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैव बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, इनमें से कौन सा जो होता है चेक करता है और रोकता है वाटर पॉल्यूशन दैट इज इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट से, इंडस्ट्री से जो रिलीज हो रहे हैं। सो पैरेंथेनियम एलिफेंट ग्रास वाटर हाइसिंथ और बोथ 1 और 2, ठीक है 174 इसका कौन सा आंसर सही होगा, वाटर, देखिए वाटर हाइसिंथ इसे जलकुंभी बोला जाता है, ठीक है हिंदी में, तो 174 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 174, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेटेड विथ ब्लड प्रेशर, ठीक है कौन सा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, 175 ये एड्रेनालिन, ठीक है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म, इनमें से कौन सा है, पिगमेंटेड सेल, स्वीट ग्लैंड, लिम्फ वेसल और ब्लड कैपिलरी। तो 176 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिम्फ वेसल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ये 3 लिम्फ वेसल ये होता है, ठीक है याद कर लीजिए 176 का बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ वेसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क, मिल्क से फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, डायफ्थेरिया, कोलेरा। तो 177 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो ट्यूबरक्लोसिस। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी, लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी कौन सा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और ग्रीन प्लांट्स। तो 178 इट्स ऑब्वियसली इट्स ए ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a correct description of tissue culture, tissue culture का correct description कौन है इन सब से, ठीक है question number 180 है, ठीक है। Now the correct answer is science of cultivating animal tissues in artificial medium, ठीक है ये होता है उसका tissue culture का definition, ठीक है। So option 3 जो है वो correct है, make a note of this, it's an important question. Now अगला question है क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, ठीक है एग्रोनॉमी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप, ऑप्शन 10 जो है वो करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन है कैरोट इज ऑर्गन इन ऑरेंज इन कलर बिकॉज, वो क्यों ऑरेंज कलर का होता है। नाउ करेक्ट आंसर इज ड्यू टू इट कंटेन्स कैरोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैरोटीन कंटेन करता है उसी के लिए वो कैरोट का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग, ठीक है कंपोस्ट, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग, एल्गी एंड ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो 183 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन, दिस इज द बायो फर्टिलाइजर,
एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ द इंफेक्शियस डिजीज SARS इज, SARS का क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन टू जो है इसका करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन है, इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है? जो इंसेक्ट के द्वारा डिजीज फैलता है, ट्रांसमिट होता है, तो उस इंसेक्ट को क्या बोला जाता है? 185 इसका करेक्ट आंसर होता है, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बिकॉज, वो क्यों क्यों ऐसा है? नाउ द करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट डज नॉट नीड वाटर, इट डज नॉट नीड मच वाटर, वाटर इज फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड इट हैज द वाटर सैक इन द वॉल ऑफ ल्यूमेन ऑफ स्टोमक, ठीक है, तो ये तीनों सही है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, ऑल ऑफ द एबव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, इनमें से ट्यूबरक्लोसिस का के लिए इफेक्टिव अगेंस्ट कौन सा होता है? 187 इसका करेक्ट क्या होगा? स्ट्रिप्टोमाइसिन, 4, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। नाउ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, तो वो कौन सा होता है? वो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? 189, देखिए ये ऑप्शन है, सेम्यूल, हिपोक्रेट्स, चरक और सुश्रुता, तो 189 तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेम्यूल हानमैन, ऑप्शन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विथ अ अफेक्टेड किडनी द फिनोमिना इन्वॉल्व इज, उसमें कौन सा फिनोमिनन, साइंटिफिक फिनोमिनन इन्वॉल्व होता है डायलिसिस के प्रोसेस में 192, इसमें ऑस्मोसिस, द टर्म ऑस्मोसिस, दिस ऑस्मोसिस फिनोमिनन इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? 120 to 150 mg/dL, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ अगला क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमो सेपियंस इज, क्या होता है? मैन द वाइज, ये चलाक मैन, ठीक है, फर्स्ट, 194 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी में, कौन से विटामिन के डिफिशियंसी में जो ब्लीडिंग गम्स में मसूड़ों से जो खून निकलता है मुंह में, वो किसके कारण, किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट द गैस इवॉल्व इज, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, राइट, ऑप्शन 3 इसका सही है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, 197, नाउ द प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एनिमल सेल डोंट, ये करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 ml ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन, नाउ द करेक्ट आंसर इज 150 एंड 200 mg, तो ऑप्शन 1 जो है इसका यही करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कौन से ऑर्गन से और कौन से ग्लैंड से रेगुलेट होता है? क्वेश्चन नंबर 200, ये हाइपोथैलेमस, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाउ अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 201, द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेल टू जर्मिनेट, ठीक है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है इफ दे डू नॉट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ
फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, जब तक वो चिड़ियों के पेट से ना गुजरता हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की तरफ से ना होता, दिस इज ड्यू टू, वो क्यों, ऐसा क्यों, ये जब तक वो चिड़िया उसे खाएगी नहीं उस सीड्स को, और उसके बाद ही वो जर्मिनेट करेगा सॉयल में। तो कारण है, मेन रीजन क्या है, सीड कोट इम्परमेबिलिटी, उसके खाने से उसके कोटिंग में इम्परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसी के कारण वो हेल्पफुल इन जर्मिनेशन, अगर नहीं होता है देन वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इट फेल्स टू जर्मिनेट। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, ठीक है, 201 का, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अलग से। नाउ क्वेश्चन नंबर 202, सुक्रोज कंटेंट इन सुगर कैन डिक्रीजेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202, डिक्रीजेस इफ फोर्स्ट ऑफर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेपनिंग, ठीक है, अगर उसमें फोर्स्ट हो जाए जब वो सुगर कैन पक रहा हो देन इट्स। सो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, तो इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगी आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।